किसी भी आणविक संरचना में दोस्तों सभी प्रकार के एलिमेंट्स या किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स आणविक संरचना स्थगित करते हैं। और दोस्तों सभी प्रकार के एलिमेंट्स में उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन से ही रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं। दोस्तों किसी भी आणविक संरचना में ये परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स रासायनिक संयोग में भाग नहीं लेते, केवल भाग लेते हैं तो वही जो बाहरी ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल्स में होते हैं। ये आउटर ऑर्बिटल्स वाले वैलेंसी सेल्स कहलाते हैं। ये कोष जिसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या दो या चार या छः या आठ की उपस्थिति में हो सकते हैं, इसी बाहरी परत में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों किसी भी परमाणु में संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक रसायनज्ञ गिल्बर्ट न्यूटन लुइस ने इलेक्ट्रॉन डॉट का प्रतिपादन किया। इस प्रकार दोस्तों लुइस ने अपने सिद्धांत के अनुसार कुछ एलिमेंट्स लिए जिनमें से सबसे पहला है लिथियम। लिथियम में दो डॉट दर्शाए गए। वहीं दोस्तों इसके अतिरिक्त कार्बन में चार डॉट दर्शाए और ऑक्सीजन में छः डॉट दर्शाकर इसकी संयोजकता प्रदर्शित की, और फ्लोरीन में सात डॉट और नियॉन में दोस्तों आठ डॉट दर्शाए। इसे लुइस के डॉट सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों लुइस ने कुछ आयनों के लिए भी डॉट दर्शाए, जैसे लिथियम आयन के लिए यहाँ पर दो प्लस डॉट दर्शाए गए। वहीं दोस्तों ऑक्सीजन के लिए भी माइनस टू के डॉट दर्शाए और इसके डॉट में आठ इलेक्ट्रॉन वाले डॉट रखे। और इसी प्रकार दोस्तों क्लोरीन के लिए भी जो ऋण विद्युतीय तत्व है इसके लिए भी आठ डॉट दर्शाए और इसमें ऋणात्मक आयन भी दर्शाए। तो दोस्तों छोटा सा यह नॉलेज वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैसा है यह नॉलेज शॉर्ट रूप में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।